उद्धव सरकार को चुनौती दी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने और कहा है कि एक घंटे के भीतर लिस्ट मुहैया कराएं, हम 125 ट्रेनें देने के लिए तैयार हैं। इस पर हमारे साथ पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस जुड़ चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, यही आरोप लगाया जाता है उद्धव सरकार की तरफ से कि हम जितनी ट्रेनें मांगते आधी मिलती है। आप पीयूष गोयल कह रहे हैं कि 80 तो छोड़िए, हम 125 ट्रेनें देने के लिए तैयार है, लेकिन लिस्ट मुहैया कराइए। नहीं, बिल्कुल सही बात कही है यहाँ पर पीयूष गोयल जी ने, क्योंकि लगातार जब से ट्रेनें शुरू हुई है महाराष्ट्र सरकार ने जितनी ट्रेनें मांगी, पीयूष गोयल जी केवल ट्रेनें ही नहीं दे रहे तो महाराष्ट्र को मदद भी कर रहे हैं। जब भी ऐसी भी परेशानी आई कि कुछ स्टेट्स ने ट्रेनें लेने से मना किया, तो पीयूष जी ने स्वयं रेल मिनिस्टर के तौर पर उन स्टेट से बात की, उनसे बात करके उनकी परमिशन दिलवाई, रात को 1-1 बजे परमिशन दी, हमारे चीफ सेक्रेटरी के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ जो लगातार संपर्क करते हुए ये सारी चीजें कर रहे हैं। ऐसे समय अगर केवल राजनीति की बात हो और अपना अपयश छुपाने के लिए अगर केवल केंद्र सरकार के सिर पर ठिकरा फोड़ने का प्रयास होता हो तो कभी ना कभी सत्य बोलना पड़ता है। अभी तक वो सत्य नहीं बोल रहे थे, शांति से बैठे हुए थे क्योंकि राजनीति नहीं करना चाहते थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने कह दिया हम ट्रेन मांगते हैं 200 और हमको मिलती है 40, और फिर उनके कुछ एमपीज ने बोल दिया कि हमको ट्रेन नहीं मिल रही है, तब जाकर पीयूष जी ने कहा कि भाई लिस्ट तो दीजिए, क्योंकि शुरुआत में तो कई ट्रेनें जो महाराष्ट्र की सरकार ने मांगी, ट्रेनें तो आई लेकिन क्योंकि लिस्ट नहीं थी तो ट्रेनें खाली गई। मतलब ट्रेन अपनी 20% 30% कैपेसिटी पर ट्रेन गई, यानी एक और लोगों को जाना और दूसरे और उनको ट्रेन तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन देवेंद्र जी, शिवसेना तो ये कह रही है कि हमने पहले से 200 ट्रेनों की लिस्ट भारतीय रेलवे को दी हुई है। नहीं, वो दिखाए ना, सवाल ये है, इसीलिए तो पीयूष गोयल जी ने चैलेंज आज भी अभी तक, यानी कल की जो 40 ट्रेनें कल जो मांगी थी, कल 40 ट्रेनें मांगी थी, वो 40 ट्रेनों के बारे में सुबह से लगातार लिस्ट मांगी जा रही है रेलवे की ओर से कि कल की 40 ट्रेनों की लिस्ट हमको दीजिए, हमें 40 ट्रेन हमारी तैयार है, वो लिस्ट तक तो वो नहीं दे पाए हैं। तो ये तो क्या है कि ये इन लोगों की आदत इतनी है कि ये केवल बोलते रहते हैं, और चूंकि आज महाराष्ट्र की कोविड सिचुएशन को ये टैकल नहीं कर पा रहे हैं तो हर चीज में केंद्र सरकार पर ठिकरा फोड़ने का काम इनका चल रहा है। आपकी जानकारी में है कि जो एक घंटे पहले, क्योंकि एक घंटे हो चुके हैं पीयूष गोयल को ट्वीट किए हुए, इस एक घंटे में क्या कोई लिस्ट पहुंची है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से? नहीं जी, कोई लिस्ट नहीं पहुंची, रेगुलर लिस्ट भी नहीं पहुंची अभी, बाकी तो छोड़ दीजिए एडिशनल ट्रेन की तो छोड़ दीजिए, जो रोज रेगुलर लिस्ट मांगी जाती है वो लिस्ट भी अभी तक नहीं पहुंची है। पर ऐसा क्यों कर रही है महाराष्ट्र सरकार? देखिए, मैंने बताया क्या हो रहा है कि कोविड सिचुएशन को टैकल करने में महाराष्ट्र सरकार फेल हो रही है। आज भी आप देखिए, आज अकेले एक दिन में 3,100 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स महाराष्ट्र में आए हैं। महाराष्ट्र में अभी देश के करीब 32-33% पेशेंट महाराष्ट्र में है और देश के करीब 40% से ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई है। और ऐसे समय जब मुंबई में आज इतनी बुरी स्थिति है कि मुंबई में बेड्स मिलते नहीं है पेशेंट्स को, इतने बड़े पैमाने एम्बुलेंस मिलती नहीं, रास्ते पर लोग मर रहे, मरने के बाद जलाने के लिए घाट भी नहीं पूर रहे, ये अवस्था आज मुंबई की हो गई है। ऐसे समय मुझे ऐसा लगता है कि केवल राजनीतिक बयान देना, सारी चीजें केंद्र सरकार के सिर पर मारना, ये अपने फेलियर को छुपाने का प्रयास है। अब जब केंद्र सरकार पूरी मदद करने को तैयार है, सारी मदद लगातार केंद्र सरकार ने की है, आज भी कर रही है, मोदी जी ने कभी एक भी राजनीतिक बयान नहीं दिया, ऐसे समय जब अपना राज्य अड़चन में है तो केंद्र सरकार पर ठिकरा फोड़ने की जगह केंद्र सरकार के साथ मिलकर हम अपने राज्य को किस प्रकार से इस परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं, इसका विचार किया जाना चाहिए, न कि अपने फेलियर को छुपाने के लिए ये नहीं करते, वो नहीं करते, फलाना नहीं करते, ढिमका नहीं करते। जब ऐसी बातें वो करेंगे तो कहीं ना कहीं पीयूष जी जैसे व्यक्ति को उनको एक्सपोज तो करना ही पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये कहते हुए कि महाराष्ट्र सरकार दरअसल सिचुएशन को संभाल नहीं पा रही है, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के आरोप महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं।